नमस्कार दोस्तों, तो इस साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था पोको F5, मतलब बहुत ही जल्द पोको F6 लॉन्च हो जाएगा, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन जो सबसे मेन चीज, जो पोको F6 वो कौन से स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन होगा, उसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तीसरी, इस वीडियो में आपको एकदम क्लियरली बोल दूंगा, इस साल का मतलब 2024 साल का जो पोको F6 जो कि इंडिया पे आएगा, वो एक्चुअली कौन से Xiaomi फोन का रिब्रांडेड वर्जन होगा और इंडिया में क्या प्राइस होगा, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जो पोको F6 पीछे से दिखने में होगा एग्जैक्टली ऐसा। ये जो फोन आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा। फोन का थिकनेस है 8.49 मिलीमीटर और वेट है 209 ग्राम और इसके पीछे का जो मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली है प्लास्टिक का बैक कवर। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.67 इंच 1.5K 12 बिट 144 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 2880 हर्ट्ज का पीडब्ल्यूडी डिमिंग रेट, 2600 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस दोनों का सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा डिस्प्ले के आउटपुट को और भी इंक्रीज करने के लिए इसमें आपको मिलेगा पिक्सेल वर्क्स X7 डिस्प्ले चिप। तो मतलब ये चीज कह सकते हैं प्राइस पॉइंट की सबसे इसका जो डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो एकदम कंफर्म हो चुका है कि इसमें भी मिलेगा डायमेंसिटी 9200 प्लस वाला प्रोसेसर, जिसके साथ होगा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास का वेपर कूलिंग चेम्बर। कैमरे के मामले में इसमें मिलेगा 58.2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, साथ में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके रियर कैमरे के साथ आपको OIS, EIS दोनों का ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन जो 50 मेगापिक्सल सेंसर वो एक्चुअली IMX800 वाला सेंसर। ये जो फोन आपको बहुत सारे रैम और स्टोरेज ऑप्शन पे मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग होगा 12 256 GB से। रैम का क्वालिटी है LPDDR5X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0 और उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, साथ में 120 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करूं तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके साथ आपको मिलेगा IP68 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें तो 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट में देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज कब लॉन्च होने वाला, तो देखिए इस फोन का एक्सपेक्टेड डेट है जनवरी से फरवरी के बीच में। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए ये स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ है रेडमी K63 Ultra नाम से, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। तो वो जो स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ था 2500 yuan पे, और मैंने हमेशा आपको ये चीज कहा कि इंडिया जो प्राइस उसे कैसे कैलकुलेट करना है, चाइना प्राइस इंटू 10,000, उसके बाद 2 या 3,000 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते। लेकिन इधर मुझे लग रहा है कि ये फोन आपको मिल जाएगा 30,000 से 35,000 के अंदर, क्योंकि इस साल के मिडिल पे जो लॉन्च हुआ था पोको F5 वो एक्चुअली चाइना पे जो रेडमी K60e उसका रिब्रांडेड वर्जन था। अभी वो जो K60e वाला स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ था 2000 yuan पे और इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए था 30,000 से 35,000 के अंदर, लेकिन लॉन्च कितने में हुआ है 27,000 रुपए पे थे। इसका मतलब ये जो स्मार्टफोन जितना मुझे लग रहा है इंडिया पे लॉन्च हो सकता 32,000 से 34,000 रुपीज के अंदर। तो अभी हार्ड वीडियो से देखें क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटा दूसरे कोई चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर 32,000 से 35,000 के बीच में आता है तो अभी करेंटली एक ही स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, फोन का नाम है iQOO Neo 7 Pro। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में पोको नो डाउट बेटर क्योंकि 1.5K डिस्प्ले। प्रोसेसर की अगर बात करें iQOO पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Plus Generation 1, पोको पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 9200 प्लस। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम। कैमरे के मामले में नो डाउट पोको बेटर क्योंकि पोको में आपको मिलेगा IMX800 वाला बहुत ही पावरफुल कैमरा सेंसर। उसके साथ वेरिएंट के मामले में पोको बेटर क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा रैम और स्टोरेज का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगा। बैटरी और चार्जर में दोनों सेम, स्पीकर के मामले में दोनों सेम और OS अपडेट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट ही अगले 2-3 महीने के अंदर कोई सबसे बढ़िया स्मार्टफोन 30,000 से 35,000 के अंदर लेना और अगर ब्रांड पोको F5 के जैसा ये जो पोको F6 एकदम एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च करता है तो डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन 30,000 से 35,000 रुपीज में सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि इस साल का जो पोको F6 जो लॉन्च होने वाला है इसके बारे में आपका क्या कहना है और जब ये फोन लॉन्च होगा तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन कहना है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव
बी पॉजिटिव. थैंक यू.